दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इसके किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। इस किताब के लेखक रॉबर्ट डी कियोसाकी अपने दो पिताओं के विचारों को साझा करते हैं। एक पिता अमीर होते हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे पिता गरीब होते हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो ले नहीं सकते हैं। वही उनके रिच डैड इस शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते थे, उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी। यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो, पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर को नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है क्योंकि उन्होंने ने बचाए नहीं सिर्फ खर्च किया। खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है। दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी। आपको इस किताब में दिए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं।